हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल तम्मोज़ किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। आज फिर एक नई रेसिपी शेयर करूँगी मैं आप सभी के साथ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और आपके अपने चैनल तम्मोज़ किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आज मैं शेयर करूँगी कच्चे आलू, और सिर्फ दो इन्ग्रीडियंट्स डालेंगे हम और इसका टेस्टफुल नाश्ता बनाएंगे। हमने लिए यहाँ पर चार आलू, आलूओं को हमने पील कर पानी में डालकर रखे हैं ताकि लाल ना हो। यहाँ पर हम लेंगे कॉर्नफ्लावर 3 चम्मच, खाने वाले चम्मच से 3 चम्मच भरकर लेंगे कॉर्नफ्लावर, और इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे, और इसे हम टेस्टफुल बनाने के लिए चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ये बिना चीज़ का भी बहुत टेस्टफुल बनता है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आलूओं के लच्छे बनाने होंगे। हम लेंगे ग्रेटर और इससे हम इसे ग्रेट कर लेंगे। आलूओं के हम लच्छे बना लेंगे, बड़े वाले साइज से हम इसके लच्छे बनाएंगे। और आलू के लच्छे को हमें धोना होगा 2 से 3 बार ताकि हमारे आलूओं का सारा स्टार्च निकल जाए। हमने आलूओं को 3 बार धो लिए हैं और इसे हमने छाननी में रख दिए थे पानी निथारने के लिए। हमारे आलूओं का पानी निथर चुका है। हमने लच्छों को डाल दिए हैं बाउल में। बाउल में डाल देंगे हम लच्छे और फिर डाल देंगे इसमें नमक। नमक डालूँगी मैं 1/2 टीस्पून। नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालिए फ्रेंड्स। आलू को हम नमक लगा कर रखते हैं तो आलू पानी छोड़ देते हैं फ्रेंड्स, और हमें वो पानी निकालना है, इसलिए मैं थोड़ा सा नमक ज़्यादा डाली हूँ। पानी के साथ में थोड़ा नमक कम होगा। फिर हमने इसमें डाल दिए हैं ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर डालकर नमक और काली मिर्चों के पाउडर को अच्छे तरीके से हमने लगा लिए हैं आलू के लच्छे पे। फिर हम डाल देंगे इसमें 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स डालना बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, बिना चिली फ्लेक्स के भी टेस्टफुल बनेगा। फिर हमने इसमें डाले हैं 1/2 टीस्पून ऑरिगैनो। ऑरिगैनो से टेस्ट अच्छा आता है क्योंकि इसमें मैं चीज़ डालने वाली हूँ, इसलिए मैं ऑरिगैनो ऐड की हूँ। और देखें, मैं इस पर नमक, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो डालकर इसे मिला ली हूँ। अब देखिए हमारे आलू ने कितना पानी छोड़ दिए हैं। हम पानी को निकाल लेंगे। पानी को अच्छे तरीके से दबाकर निकाली हूँ। आलू के लच्छों को ज़्यादा मसल मसल कर हमें ये कॉर्नफ्लावर नहीं लगाना है फ्रेंड्स। हल्के हाथों से हम कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे। आलू के लच्छे तोड़ना नहीं है हमें, साबुत लच्छे रखेंगे हम। हल्के हाथों से हम ये कॉर्नफ्लावर मिला लेंगे, और इस तरीके से मैं कॉर्नफ्लावर को मिला ली हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। हम थोड़ा सा चीज़ ग्रेट कर रख देंगे। आधा बाउल से थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी मैं चीज़। ये बिना चीज़ के भी बहुत टेस्टफुल बनता है फ्रेंड्स, बिना चिली फ्लेक्स। सिर्फ डालिए काली मिर्चों का पाउडर और नमक, और इसे आप बना लीजिए और इसका टेस्ट देखिए। हम डालेंगे कढ़ाई में 2 चम्मच तेल, और फिर इसमें हम डाल देंगे ये आलू के लच्छे। अच्छे तरीके से हम इसे फैला देंगे, पानी है तो एक्स्ट्रा निकाल लेंगे हम। हल्के हाथों से निचोड़िएगा, ज़्यादा दबा कर नहीं निचोड़ना है, लच्छे तोड़ना नहीं है। हम इसे अच्छे तरीके से फैलाएँगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना फ्रेंड्स, उसी तरीके से हम इसे पैन में चाहे कढ़ाई में अच्छे तरीके से फैला दीजिएगा। फिर हम इसे स्पैचुले से ऐसा फैला देंगे, यानी कि प्लेन करेंगे। अब हम इस पर डाल देंगे चीज़। चीज़ अगर आपको पसंद है तो और डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल की हूँ। आप चाहे तो मोजरेला, चेडर चीज़, जो चीज़ आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल की हूँ। हम जब चीज़ डालकर बनाते हैं नाश्ता तो बच्चे मिनटों में ख़त्म कर देते हैं फ्रेंड्स। ज़रूर चीज़ डालिए अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिएगा। फिर इस पे हम चीज़ डालकर अच्छे से फैला दिए हैं, और अब इस पे डाल देंगे आलू के लच्छे। एक बात का ध्यान रखना है, पानी को अच्छे तरीके से निचोड़ कर डालिएगा। पानी नहीं चाहिए हमें ये नाश्ते में। आलू से सारा पानी निकाल देना है फ्रेंड्स दबाकर, और ज़्यादा दबाइएगा भी नहीं, लच्छे तोड़िएगा नहीं। हम आलू के लच्छे डालकर फिर इसे अच्छे तरीके से एक लेयर देंगे ऊपर से भी, जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से इसे ऊपर साइड से बना लेंगे। हमने चीज़ को सारे तरफ से कवर कर लिया है। अगर कोई साइड से अगर आपका चीज़ दिख रहा है तो उस पर थोड़े से आलू के लच्छे डालकर आप उसे फिलअप कर लीजिएगा, यानी बंद कर दीजिए, ताकि हमारा नाश्ता जब हम पलटाएंगे तो चीज़ कढ़ाई पे या पैन पे चिपकेगा नहीं। हमने अच्छे तरीके से ये आलू के लच्छे को ऊपर साइड से भी फैला दिए हैं, आप देख सकते हैं, और साइड से हम ऐसा गोल कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा बाहर निकले हैं लच्छे उसे हम अंदर साइड में दबा दिए हैं। ऊपर ढक्कन कवर कर हम 2 मिनट पका लेंगे ताकि हमारे लच्छे ऊपर साइड से सॉफ्ट हो जाए। फिर हम स्पैचुले से इसे इस तरीके से रोटी के जैसा बना लेंगे। प्लेन कर दिए हैं हमने, फिर वापस से हमने इस पर ढक्कन कवर कर 5 मिनट के लिए छोड़ दिए थे लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे पकाइएगा, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं रखना है। 5 मिनट बाद हम इसे चेक कर रहे हैं, और हमारा ये नाश्ता एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है फ्रेंड्स, मैं अभी देखी हूँ। अब हम इसे पलटाएंगे, एक प्लेट लेंगे, इसके ऊपर इस तरीके से ढक देंगे, और कढ़ाई को चाहे पैन को आहिस्ता से पलटाइएगा। आपका हाथ जलना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, आहिस्ता पलटाइएगा। फिर हम धीरे से ये प्लेट में से वापस से डाल देंगे कढ़ाई में। अब हम तेल नहीं डालेंगे, पहले ही हमने छोटे चम्मच से 2 चम्मच तेल डाले थे इसमें,
ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं होता है ये नाश्ते में और बहुत ही टेस्टफुल और हेल्दी रेसिपी है फ्रेंड्स, ट्राई ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। मेरे व्यूज़ भी बहुत डाउन है फ्रेंड्स और मेरे लाइक भी बहुत कम मिल रहे हैं, लाइक ज़रूर करिएगा। रेसिपी पे लाइक बहुत कम मिल रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे। और इस तरीके से हमारा पैनकेक तैयार है, अब मैं आपको काट कर बता देती हूँ। बहुत ही टेस्टफुल चीज़ी नाश्ता है फ्रेंड्स, आप ट्राई ज़रूर करिए, इंशाल्लाह इसका टेस्ट आपके फैमिली में सभी को पसंद आएगा। मैं फिर एक बार कहती हूँ, आप मेरी रेसिपी ट्राई ज़रूर करिए। इंशाल्लाह कल फिर मैं मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, सेफ़ रहिए, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।